जय श्री महाकाल और जय श्री महाकाल। आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों, और आपका बहुत आभार है दोस्तों। आपके मन में ये प्रश्न हमेशा उठता है कि लोग हमसे क्यों जलते हैं। हमने कभी भी किसी का जाने अनजाने में कोई अहित नहीं करने का सोचा है, लेकिन उसके बाद भी हमारी उन्नति से, हमारी सकारात्मकता से, हमारी अच्छाई उसके लोग जलते हैं और हमारा जो काम है उसमें रुकावटें डालते हैं बिना किसी शत्रुता के, बिना किसी दुश्मनी के, बेवजह ही। तो क्यों लोग जलते हैं, ये प्रश्न जब भी आपके मन में उठ रहा है तो इस विषय का आपको जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत यूनिक है, ये पार्ट टू है, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें तो बहुत सी चीज़ें जो हैं आपको सही तरीके से पता लग जाएगा। बाद में मत कहिएगा वीडियो को अधूरा छोड़ के जाएंगे तो आपको चीज़ें सही तरीके से समझ नहीं आएगी, पूरा वीडियो जरूर देखें। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, और कमेंट्स में भोलेनाथ का एक अच्छा सा नाम लिखें जो आपको अच्छा लगे वो ज़रूर लिखें। उसमें दूसरी चीज़ की वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आपके लाइक से मुझे बड़ा सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ आप लाइक करें। दूसरी बात है कि अगर कोई भी जीवन में परेशानी चल रही है आपकी, तो प्लीज़ आप स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। शुल्क जो है नॉमिनल है, शुल्क लागू है। तो सबसे पहली बात कि लोग जो जलते हैं आपकी अच्छाई, आपकी कर्मठता, और आप जो लोगों को प्रसन्न कर लेते हैं तुरंत, वो एक सकारात्मक वे में चीज़ें जो हैं आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत से लोगों को इसका गलत इम्पैक्ट होता है। ये उनकी सोच के ऊपर, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लें, जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। आप लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं, आप हमेशा लोगों का अच्छा सोचते हैं, और कई बार प्लानिंग जो होती है वो केवल और केवल आपकी फोकस होता है कि हम किसी भी तरह से इस जीवन में कुछ अच्छा कर पाएं। और इसी चीज़ का, चाहे ऑफिस हो, आप व्यापार में हो, नौकरी में हो, कहीं भी हो, तो आपका जो रवैया है वो बड़ा सकारात्मक रवैया होता है चीज़ों के लिए, और जो चीज़ें सही होती है आप सही को सही कहने में विश्वास रखते हैं, और यही चीज़ें लोगों को गलत लगती है, और इसी वजह से हमें कई बार बहुत सारी रुकावटें झेलना पड़ती हैं। अब हम इस आदत को मत बदलें, जिसे जलना है वो जले, उनसे भी आप अच्छा व्यवहार करें, उनसे भी, उनको भी सपोर्ट करें, क्योंकि हम तो, ये हमारी यात्रा है, इस यात्रा को हमें कंटिन्यू चलते रहना है। ये चीज़ें आती रहेगी, ये हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाधित करेंगे, लेकिन ये आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आप पर ईश्वर की कृपा है, क्योंकि जो सहज और सरल व्यक्ति होते हैं उनका कभी कोई व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अपने मन में ये हमेशा विश्वास जिंदा रखें कि मुझ पर ईश्वर की पूरी कृपा है और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सही हैं, आप सच के साथ हैं, और आप लोगों की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें।